गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह हम बना रहे हैं चुलन के नाश्ता, मतलब टिफिन बना रहे हैं। खा के भी जाएगा और लेके भी जाएगा, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया और बरसात भी हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाएं। इसलिए ये बना दी, इसके साथ हम चुलन सॉस खा लेते हैं, अचार दे देंगे, टिफिन हो गया। और हम चुलन चाय के साथ भी खाता है इसको, अभी तो चाय के साथ नहीं खाएगा, अभी तो ऐसे ही खाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू बरसात हो रहा है, कंटिन्यू एकदम ही नहीं रुक रहा, और अभी भी बरसात हो ही रहा है। तो ये मेरा मतलब टिफिन तो बन गया। चलिए देखिए अंशुलों क्या कर रहा है, देखते हैं। अंशुलों नाश्ता तो बना दिए, अभी तो गया नहीं है। तो देखिए कबूतर, हाँ इतना सारा कबूतर है। उधर से भी आ रहा है, थोड़ा सा और लेके आते हैं, क्योंकि इतना सारा कबूतर है ना, थोड़ा सा और लेके आ रहे हैं। देखो तुम्हारे डर से वो चार पांच कबूतर नहीं आ रहा है। अरे एक रेड कबूतर तो वहाँ पे है, इतना मुझे हो रहा है, एक के ऊपर एक चल के खाता है। वो अभी स्कूल जा रहा है, बाय बेटा। दूसरा वाला लो स्कूल है, आज गंदा है ना शूज। हम चाय बनाए हैं अपने लिए, और चलिए सुबह सुबह प्रसाद में बैठ के चाय पीते हैं। उसके बाद सब काम करना है, फिर उसके बाद नहाना है, तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद सब रूम भी सिर्फ फिर छीट के गए। मैं नहा लिए, पूजा कर लिए हैं, और ये चावल दाल चढ़ा दिए हैं, और आज हम बनाएंगे लौकी का बचका, तो इसको काट के रखे हैं, इसको बॉईल करेंगे, तब हम जाते हैं नाश्ता कर लेने। तो आज हम बनाएंगे सत्तू का कचौड़ी अंशुलों के लिए। चलिए सत्तू का कचौड़ी और चाय खा लेते हैं। और यह कपड़ा भी मैं धो रहा है, तो नाश्ता करते हैं फिर उसके बाद। आज तो कोई काम नहीं है वैसे, और आज धूप भी हुआ है बहुत दिन बाद, अच्छा मौसम हुआ है, आज कपड़ा भी सूख जाएगा आज। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गया है। बैग तो हम खाना बना लिए, और अंशुलों को लाने आज हम जा रहे हैं, क्योंकि आज उसके पापा बाहर चले गए हैं, तो अभी जा रहे हैं, उनका टाइम हो गया है, तो उन को ले कर आते हैं। तो निकल तो गए हैं, बस टोटो मिल जाए टाइम पर, या जल्दी पहुंच जाएंगे, तो फिर उन लोग खड़ा रहेगा, लेट हो गया मेरे को। चलिए देखिए टोटो जल्दी से मिले, तो टोटो हमको मिल गया है। पंचम का छुट्टी हो गया है, लेट हो गया थोड़ा। टोटो में बैठ गया, हम लोग जा रहे हैं, बहुत देर तुम लोग खोजे थे, पिक कर लिए, हम लोग जा रहे हैं अब घर, है ना। हम बोले कुछ खा लो, तुम लोग कुछ नहीं खाया, तो हम जाते हैं घर। घर आ गए हैं, अभी तुम पहले हाथ दर्द होएगा। हम घर आ गए हैं, और घर आते आते ही हम किचन में आ गए, क्योंकि हम वो पकौड़े नहीं बनाए थे, तो फिर गर्म गर्म पकौड़े बनाएंगे लौकी का और आलू का। चलिए पकौड़े बनाते, फिर हम सुनो खाना देते हैं, भूख भी लग गया होगा। ये रेडी, तेल रेडी, सब कुछ रेडी हो गया, आप फटाफट बनाएंगे, फिर हम सुनो खाना देंगे। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि उन लोगों का बहुत लेट हो गया है आज मेरे चलते। देखिए एक ठो डाल के, गरम तो हो गया है, तो देखते हैं। पता नहीं मेरे से कैसा बनेगा, पर मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती है।
तो अब मुश्किल हो रहा है कैमरा पकड़ के बनाना, तो चलिए अब बना लेते फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि एक हाथ से बना रहे ना दिक्कत हो रहा है। बन गया है और अभी मम्मी और बना रही हैं, और बना रहे हैं ये आलू है, अरे नहीं ये लौकी है, आलू का तो बना दिया आलू ये बेसन और ये इसमें आलू ना। तुम लोग लौकी का नहीं ना खाए हो? नहीं नहीं दादा लोग को भी दे दिए हैं। ये आलू का है ना सब? नहीं उसमें वो जो गोल गोल है ये लौकी का है, एक ये सब लौकी का, बाकी सब आलू का है। ये सब हम ले ले रहे हैं, और बना रहे ना। हाँ ले ले। हाँ हाँ सब ले ले। बता अगर टेस्ट, एक बार टेस्ट करो। क्रंची भी है। हाँ इसे तो गरम गरम बनाया। ठीक है आप बनाइए हम खाते हैं। वेलकम बैक। अब शाम हो गया है तो पहले को थोड़ा सा खा के आराम किए, क्योंकि आज तो स्कूल गए, स्कूल से आए फिर खाना खाए तो फिर थोड़ा सा आराम किए, और अभी तो अंशु ऋषु जा रहा है ट्यूशन, अब शाम हो रहा है तो चलिए बनाने स्टार्ट कर दिए। तो आज हम सब्जी नहीं बनाएंगे, आज हम बनाएंगे लौकी का रायता। तो लौकी को पहले हम बॉईल कर लेते हैं। आज सिंपल खाना बनाएंगे क्योंकि दोपहर में बहुत स्पाइसी खाना बनाए थे, और रोटी तो आटा है अभी मिलाना बाकी है। तो मेरा रोटी ऑलमोस्ट बन गया है, तो आज हम रोटी कम बनाएं क्योंकि अंशु लोग बाहर गया है, उसकी फ्रेंड का बर्थडे है तो अंशु गया है बाहर, अंशु रेशु दोनों, तो हम थोड़ा सा ही रोटी बनाए हैं। बॉईल कर दिए हैं और ये है उसका मसाला, तो हम इसको तवा पे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं एकदम हल्का सा, तो इसको हम पीस लेते हैं। तो हम इसको मिक्सी का छोटा वाला डाल, क्योंकि थोड़ा सा है तो इसमें डाल के इसको पीस लेते हैं, तो इसमें इसको पीस लेते हैं। तो मिक्सी ऑफ कर देंगे और ये हो गया है, तो इसको निकाल लेते हैं, इसको साइड में रख देने से मिलाते हैं, और इसमें मिलाते हुए ये मसाला डालेंगे, और नमक तो हम बॉइल करते समय ही डाल देते, थोड़ा सा नमक डाल दे, ये डाल देते मसाला, ये थोड़ा सा हींग डाल देते हैं, फिर ये थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसको मिक्स। वेलकम बैक। तो अब रात हो गया है और अंशु ऋषि खाना खा लिया है, तो हम जा रहे खाना खाने। तो आप देखिए आज हम बनाए थे लौकी का रायता और रोटी, आज सिंपल बनाए थे एकदम बिना तेल मसाला, क्योंकि आज सुबह भी सत्तू का कचौड़ी बनाए थे और दोपहर को बनाए थे पचका, तो ज़्यादा हेवी हो गया, तो तभी ऐसे लाइट खाना बनाए। चलिए जा रहे खाना खाने और ये ब्लॉग यहीं पेंट करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तो बाय, गुड नाइट।